आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है इफ सेल्स इन द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग आर सब्जेक्टेड टू कोल्चिसिन, अ ड्रग दैट इंटरफियर्स विद द फंक्शनिंग ऑफ स्पिंडल एपरेटस, एट विच स्टेज माइटोसिस विल अफेक्टेड। तो कोल्चिसिन जो है ये एक ड्रग है जो टॉक्सिक ड्रग है और ये इंटरफियर करता है जब माइटोसिस ये प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, तब जो स्पिंडल अपैरेटस बनते हैं उनके फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस करना ये कोल्चिसिन का काम है। तो एक्चुअली माइटोसिस में कौन सी स्टेज होती है, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज एंड इंटरफेज, तो ये कौन सी फेज है जिसपे ये कोल्चिसिन क्या करेगा, इंटरफियर करेगा। तो पहले तो हम समझते हैं कि कोल्चिसिन जो है इसका मैकेनिज्म क्या है जिससे ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ कोल्चिसिन, तो ये कौन से मैकेनिज्म से ये माइटोसिस को अफेक्ट करेगा, तो ये इनहिबिट करेगा फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोट्यूबुल्स, इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। और ये किस तरह से करेगा, तो बाय इनहिबिटिंग ट्यूबुलिन, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है इसको इनहिबिट किया जाएगा, इनहिबिटिंग ट्यूबुलिन जो कि एक है प्रोटीन और ये रिक्वायर होता है माइक्रोट्यूबुल के सिंथेसिस के लिए। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन को अगर रोक दिया तो माइक्रोट्यूबुल्स तो बनेंगे नहीं, और माइक्रोट्यूबुल नहीं बनेंगे क्योंकि माइक्रोट्यूबुल की जरूरत होती है स्पिंडल फाइबर्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ये माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर की क्यों जरूरत होती है, जब सेल डिवीजन होता है तब ये क्या करता है कि स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के टाइम ये पुलिंग ऑफ डीएनए करते हैं, पुलिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेंटर ऑफ मदर सेल, फ्रॉम सेंटर ऑफ मदर सेल से पुलिंग ऑफ डीएनए करेंगे और इससे बनेंगे न्यू डॉटर सेल्स, न्यू डॉटर सेल्स। अब यहाँ पे अगर माइक्रोट्यूबुल्स नहीं बनते तो डॉटर सेल तो नहीं बनेंगे, तो ये प्रोसेस जो है वो पूरी तरह रुक जाएगी और न्यू सेल फॉर्मेशन विल गेट इनहिबिटेड। तो हम लिख सकते हैं न्यू सेल फॉर्मेशन विल नॉट अकर, तो ये हो गया इनहिबिट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये जो एक्चुअली फेज है ये इनहिबिशन है ये होता है मेटाफेज में, ये होता है मेटाफेज में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे गलत। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।